नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर। मनीलैंड की खास पेशकश कंपनी नामा में आपका स्वागत है। इस वीकली रिपोर्ट में हम आपको कॉरपोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी खबरों से अपडेट कराते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की कॉरपोरेट जगत की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो हीरो मोटोकॉर्प से जुड़ी है। टू व्हीलर किंग हीरो मोटोकॉर्प ई मोबिलिटी यानी इलेक्ट्रिक बाइक लाने की योजना पर तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी के मद्देनजर कंपनी ने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी एथर एनर्जी में 420 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश किया है। एथर में हीरो मोटो 2016 से निवेशित है। फिलहाल एथर में उनका करीब 35% हिस्सा है। हीरो मोटो की मार्च में पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने की योजना है। कंपनी की एथर में हिस्सेदारी बढ़ाकर अपना ईवी कारोबार फैलाने की मंशा है। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस रिटेल ने घरेलू रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ब में करीब 983 करोड़ रुपए में 54% हिस्सेदारी खरीदी है। एडवर्ब टेक्नोलॉजीज रिलायंस से मिली रकम का इस्तेमाल यूएस और यूरोप में विस्तार तथा नोएडा में एक बड़ा प्लांट लगाने के लिए करेगी। कंपनी के पास पहले से ही नोएडा में एक प्लांट है, जहां हर साल लगभग 10,000 रोबोट बनाए जाते हैं। इस अधिग्रहण से रिलायंस को अपने रिटेल कारोबार के विस्तार में मदद मिलेगी। तीसरी खबर टेक महिंद्रा से जुड़ी है। दरअसल टेक महिंद्रा ने यूरोप की कंपनी सीटीसी में 100% हिस्सा और दो इंश्योरटेक प्लेटफॉर्म्स में 25% हिस्सा 33 करोड़ यूरो यानी कि भारतीय करेंसी में 2800 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है। अप्रैल 2010 में सत्यम को खरीदने के बाद कंपनी की ओर से ये दूसरा सबसे बड़ा अधिग्रहण है। सीटीसी के अधिग्रहण से टेक महिंद्रा को यूरोप में कारोबार की पकड़ मजबूत करने में मदद मिलेगी। चौथी खबर की ओर बढ़ते हैं। मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स ने फिनटेक पेमेंट सॉल्यूशन मुहैया कराने वाली कंपनी पेस्विफ्ट टेक्नोलॉजीज में 450 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। इससे कंपनी को पेस्विफ्ट में करीब 72% के आसपास की हिस्सेदारी मिलेगी। अधिग्रहण से चोलामंडलम को एसएमई सेगमेंट में विस्तार करने में मदद मिलेगी। अगली खबर है नजारा टेक से जुड़ी हुई। गेमिंग और स्पोर्ट्स मीडिया कंपनी नजारा टेक्नोलॉजीज ने प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग और मोनेटाइजेशन कंपनी डेटावर्क्स में 55% हिस्सा खरीदने के लिए करार किया है। दोनों कंपनियों के बीच 124 करोड़ रुपए का सौदा दो चरणों में पूरा होगा। इस डील से नजारा टेक का ग्राहक अधिग्रहण खर्च घटने और एड मोनेटाइजेशन में कमाई बढ़ने की उम्मीद है। छठी खबर पॉलिसी बाजार से जुड़ी हुई है। पॉलिसी बाजार की पेरेंट कंपनी पीबी फिनटेक ने 22.4 करोड़ रुपए में विजिट इंटरनेट सर्विसेज यानी वीआईएसपीएल का 98.4% हिस्सा खरीद लिया है। दूसरे चरण यानी फरवरी 2022 में कंपनी वीआईएसपीएल का पूरा 100% हिस्सा खरीद लेगी। इस खरीद से कंपनी टेली हेल्थ के सर्विसेज में विस्तार कर पाएगी। सातवीं खबर की ओर बढ़ते हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने अमेजॉन क्लाउडटेल डील को ब्लॉक करने के लिए CCI का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें कि अमेजॉन ने क्लाउडटेल की पेरेंट कंपनी प्रियॉन बिजनेस सर्विसेज का अधिग्रहण किया था। नारायण मूर्ति की कैटामरान वेंचर्स से प्रियॉन का 76% हिस्सा खरीदा गया था। CAIT के मुताबिक अमेजॉन की इस खरीद से FDI के नियमों का उल्लंघन होगा, क्योंकि अधिग्रहण के बाद प्रियॉन मार्केट प्लेस से इन्वेंट्री आधारित प्लेटफॉर्म में बदल जाएगी। आठवीं खबर की ओर बढ़ते हैं। देश की लीडिंग B2B ऑनलाइन इंफ्रा प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म infra.market शालीमार पेंट्स में 270 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। ये रकम इक्विटी और डिबेंचर्स यानी कर्ज के कॉम्बिनेशन के जरिए डाली जाएगी। डील की रकम से शालीमार पेंट्स बैलेंस शीट मजबूत करने, प्रोडक्ट संख्या बढ़ाने, नए बाजारों तक पहुँचने में मदद हासिल करती हुई दिखेगी। नौवीं खबर है फ्लिपकार्ट से जुड़ी हुई। फ्लिपकार्ट की B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस इकाई फ्लिपकार्ट होलसेल अपने कारोबार की रीस्ट्रक्चरिंग करने जा रही है। इस योजना के तहत कोर मर्चेंडाइजिंग और ऑपरेशंस को छोड़ बाकी सभी कर्मचारी फ्लिपकार्ट में ट्रांसफर होते हुए दिखेंगे। इस कदम से खर्च में एक तो कमी होगी और कारोबार में निवेश बढ़ाने में मदद मिलेगी। आखिरी खबर जुड़ी हुई है माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ी हुई। माइक्रोसॉफ्ट ने गेमिंग कंपनी एक्टिविजन ब्लिजार्ड का 69 अरब डॉलर यानी भारतीय करेंसी में देखें 5 लाख करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया है। इस हिसाब से ये US के इतिहास में टेक सेक्टर से जुड़ी सबसे बड़ी डील है। इससे पहले 2016 में डेल ने 67 अरब डॉलर में EMC का अधिग्रहण किया था। डील का असर भारत में लिस्टेड नजारा टेक, डेल्टा कॉप और ऑन मोबाइल ग्लोबल के शेयरों में साफ देखने को मिला। चलिए अब बात करते हैं स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों की। फ्लिपकार्ट के पूर्व अधिकारियों की ओर से शुरू किए गए प्रोटॉन नाम के स्टार्टअप ने कारोबार को बंद करने का फैसला लिया है। गौर करने वाली बात यह है कि निवेशकों से 90 लाख डॉलर की रकम जुटाने के 6 महीने के अंदर कंपनी ने बिजनेस बंद करने की घोषणा की है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी के फाउंडर्स इसके बिजनेस मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए सहमत नहीं है। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर एस ए सर्विस स्टार्टअप लूमो ने टाइगर ग्लोबल और सिकोया कैपिटल इंडिया से करीब 596 करोड़ रुपए के आसपास की रकम हासिल की है। कंपनी एंटरप्रेन्योर्स और ब्रांड्स को अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों को बेचने की सुविधा प्रदान करती है। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दुनिया भर में सेल्स और सपोर्ट टीम के लिए बिजनेस ऑटोमेशन टूल्स बनाने वाली सास लैब्स ने सीरीज बी फंडिंग राउंड में 4.2 करोड़ डॉलर की राशि जुटाई है। सिकोया कैपिटल इंडिया के नेतृत्व में बेस्ट एंड पार्टनर्स और 8 रोड वेंचर्स ने निवेश किया है इस कंपनी में।
चौथी खबर में रिफर्बिश्ड और रिन्यूड इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी स्टार्टअप कर्माटेक ने गुजरात वेंचर्स फाइनेंस लिमिटेड और कैस्पियन डेट के नेतृत्व में 30 लाख डॉलर जुटाने की घोषणा की है। इस रकम का इस्तेमाल कारोबार विस्तार और डिजिटलीकरण पर किया जाएगा। अगली खबर है एडटेक स्टार्टअप माई कैप्टन से जुड़ी। उन्होंने प्री सीरीज ए फंडिंग राउंड में 30 लाख डॉलर की रकम जुटाई है। इस राउंड में अंकुर कैपिटल, इन्फेक्शन पॉइंट वेंचर्स, फर्स्ट पोस्ट वेंचर्स, आईएम कलकत्ता, एंजल नेटवर्क, सिंगापुर एंजल इन्वेस्टर्स और अन्य ने भाग लिया। आखिरी खबर है क्रिएटर इकोनॉमी स्टार्टअप एपेक्स से जुड़ी। उन्होंने वाई कॉम्बिनेटर के नेतृत्व में 13 लाख डॉलर जुटाए हैं। कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल अपने उत्पाद पेशकश को बढ़ाने, अपने स्वयं के टोकन लाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार के लिए करेगी। तो ये थी कॉरपोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी इस हफ्ते की बड़ी खबरें। उम्मीद है ये खबरें आपके काम की थी और आप हमारे बजट से वीडियोस तो देख ही रहे होंगे। उन वीडियोस पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।